हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नेहा ऑफिशियल में। मैं हूँ नेहा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में पानी की थैली फटने के क्या क्या संकेत होते हैं, साथ ही आपको पानी की थैली फटने के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था के आखिरी चरण में शरीर प्रसव आने के कुछ संकेत देता है। इन संकेतों में से एक है पानी की थैली फटना। इसे लेबर पेन शुरू होने का सबसे बड़ा और प्रमुख संकेत माना जाता है। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में डिलीवरी डेट के आसपास किसी भी समय पानी की थैली फट सकती है। यह लेबर पेन शुरू होने का सबसे पहला और स्पष्ट संकेत होता है। कई बार अचानक से पानी की थैली फट जाती है और महिलाओं को आपातकालीन स्थिति में अस्पताल ले जाया जाता है। हालांकि पानी की थैली फटने से पहले कुछ संकेत मिलते हैं, अगर इन संकेतों को पहले ही पहचान लिया जाए तो शायद पानी की थैली फटने पर तुरंत मेडिकल सहायता ली जा सकती है। तो बात करते हैं कि पानी की थैली फटने से पहले क्या क्या लक्षण मिलते हैं, ऐसे क्या संकेत होते हैं जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपके पानी की थैली जल्दी फटने वाली है और आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। पहला लक्षण है म्यूकस प्लग निकलना। डिलीवरी पास होने पर गर्भाशय ग्रीवा को ढकने वाला म्यूकस प्लग निकल सकता है। यह संकेत है कि शरीर लेबर के लिए खुद को तैयार कर रहा है। कभी कभी म्यूकस प्लग निकलने पर पानी की थैली उसके बाद ही फट जाती है, लेकिन कभी सिर्फ म्यूकस प्लग ही निकलता है और उसके तुरंत बाद पानी की थैली फट जाती है। अगर म्यूकस प्लग निकल रहा है तो इसे पानी की थैली फटने का संकेत समझ सकते हैं। दूसरा जो लक्षण है वो है बार बार टॉयलेट जाना। लेबर पेन शुरू होने से पहले शरीर प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन रिलीज करता है जिससे प्रसव में मदद मिलती है। इस हार्मोन से मल त्याग की क्रिया उत्तेजित होती है और आपको बार बार बाथरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है। यह संकेत है कि अब जल्द ही आपको प्रसव पीड़ा शुरू होने वाली है और आपकी जल्दी ही पानी की थैली भी फट सकती है, इसलिए आप सावधान हो जाइए और तैयार रहिए डिलीवरी के लिए। तीसरा जो लक्षण है वो है ऐंठन और डिस्चार्ज। पेट में आपको टाइट महसूस हो सकता है जैसा कि पीरियड के टाइम होता है। यह ऐंठन पानी की थैली फटने का पूर्व संकेत हो सकती है। ऐसा महसूस होने पर खुद को तैयार कर ले। गर्भावस्था के दौरान वजाइनल डिस्चार्ज की दिक्कत बहुत बढ़ जाती है जो कि सामान्य बात है, लेकिन अगर आपको साफ डिस्चार्ज आ रहा है तो यह सर्विकल म्यूकस हो सकता है। अत्यधिक वजाइनल डिस्चार्ज पानी की थैली फटने का संकेत होता है। चौथा जो लक्षण है वो है अचानक से आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना। प्रेगनेंसी के दौरान यदि आपको कभी भी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम नहीं हुई और अचानक से 9वें महीने के आखिरी टाइम पे आपको ब्लीडिंग होने लगी है तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आपके पानी की थैली जल्दी फटने वाली है और आपको डिलीवरी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। साथ ही ऐसा होने पे अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करें। ब्लीडिंग होने की और भी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो बहुत लोगों के साथ यह होता है कि डिलीवरी से पहले उन्हें अचानक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। पांचवा जो लक्षण है वो है इन्फेक्शन। कभी कभी आपके सर्विक्स, किडनी, ब्लैडर या वजाइनल में इन्फेक्शन होने के कारण भी आपका पानी निकल सकता है। हालांकि यह बच्चे और आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर आपको पीठ दर्द, बुखार, फ्लू जैसे लक्षण या ऐसे ही अन्य लक्षण महसूस होते हैं तो ऐसे में तुरंत ही डॉक्टर की मदद लें, क्योंकि आपके निचले हिस्से में इन्फेक्शन हो सकता है जिससे आपका पानी छूट सकता है। इस बात को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें जिससे कि आपका ट्रीटमेंट जल्दी हो जाए और आपके बच्चे को और आपको कोई भी नुकसान ना हो। तो दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। और इस तरह के संकेत यदि आप सबके साथ भी हो रहे हैं, इनमें से एक भी संकेत यदि आपको मिल रहा है, एक भी लक्षण आपको मिलता है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें और इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। और इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। आप सबको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है ये भी मुझे ज़रूर बताएँ। और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके पास आते रहे। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय फ्रेंड्स।